फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, यानी यूनिट फर्स्ट का जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था आज, ये वो टॉपिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन और कुछ ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पहले हमारा है लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये ऐसे दिया होगा हमारे सी नोट ए आर प्लस सी वन ए की आर माइनस वन प्लस सी टू ए की आर माइनस टू प्लस सोन सी प्लस सी के ए आर आर माइनस के इजिकल टू है एफ आर। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, जहां पे वेयर सी आई आर कांस्टेंट। सी आई क्या है, सारे कांस्टेंट है। फर्स्ट क्या बनता है, अगर हमारा ये जो एफ आर है, यहाँ ये इक्वेशन दी होगी, यहाँ पे एफ आर जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमें अगर जीरो दिया हो तो हमें, या अगर हमें जीरो दिया हो तो इक्वेशन वन है, जो हमारी इक्वेशन वन है वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर यहीं हमें एफ आर की जगह इस इक्वेशन में हमें यहाँ आर का स्केयर और आर प्लस वन सो ऑन दिया हो तो देन इक्वेशन वन है वो नॉन होमोजीनियस होगी। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम, ए की आर प्लस टू ए की आर माइनस वन इजिकल टू है आर स्केयर। एक तो हमने देखा एफ जो एफ एक्स की जगह में आर स्केयर दिया है, तो यह कौन सी इक्वेशन, ये है नॉन होमोजीनियस। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो हमारा हाईएस्ट टर्म है जैसे कि ये आर है हाईएस्ट टर्म, और लोवेस्ट टर्म क्या है आर माइनस वन है, तो ये यहां से हमने क्या किया आर माइनस ये लोवेस्ट टर्म घटा दी आर माइनस वन। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आर ये माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल होगा वन, तो इसका ऑर्डर क्या होगा वन हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक कुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, अब हम उससे स्टार्ट करते हैं। वी डू नॉट हैव ए जनरल प्रोसीजर टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन, सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज सेट अप अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ एफ एन। वी डिस्कस द फॉलोइंग केस, हमें इसमें पांच केस डिस्कस करेंगे, उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि हमें कोई डिफरेंस इक्वेशन दी गई है उसको पहचानना है हमें, उसका कौन सा केस बनता है, फिर उसको उसके हिसाब से ही हम सोल्व करेंगे। जैसे कि इसमें केस वन लेके चलते हैं, यहां क्या है, इफ एफ एन इज ए पॉलिनोमियल इन डिग्री एन ऑफ पॉलिनोमियल इन एन ऑफ डिग्री एम, देन वी टेक वे पी वन एन एम प्लस पी टू एन एम माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस पी एम प्लस वन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। पुटिंग दिस सॉल्यूशन इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ पी वन पी टू पी एम प्लस वन आर डिटरमाइन। जो एफ एन है हमें पॉलिनोमियल डिग्री है इन एन ऑफ डिग्री एम की, तो हम उसमें ये सॉल्यूशन ये लेके चलेंगे, उसमें हम ये सॉल्यूशन मान के ये पुट अप करके P1, P2 और जो भी है इनकी वैल्यू फाइंड करके उस इक्वेशन में रख देंगे। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें इक्वेशन दी गई है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन ए एन माइनस ए एन माइनस वन माइनस टू ए एन माइनस टू इजिकल टू है टू एन स्केयर। अब हमने देखा कि हमें जो ये पॉलिनोमियल दी गई है वो डिग्री एन की दी गई, ये पॉलिनोमियल दी गई है एन और डिग्री एम, यानी एन एन की तो ये पॉलिनोमियल होगी और डिग्री होगी हमारी एम। तो हम अब इसके सॉल्यूशन लेट करेंगे, सॉल्यूशन लेट करके चलते हैं। सपोज द सॉल्यूशन इज द होम, यानी कि हमें सॉल्यूशन इस टाइप के मिलेगी, क्योंकि
टू डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसका सोल्यूशन इस टाइप से बनेगा, पी वन एन का स्केयर प्लस पी टू एन प्लस पी थ्री। तो हमें यहाँ क्या करना है, पी वन पी टू पी थ्री है ये कांस्टेंट है, इनको हमें डिटरमाइन करके और वन में जो हमें इक्वेशन दी गई है उस वन में हम इसको रख देंगे। अब क्या किया, जो हमने जो सोल्यूशन मानना है वो इस इक्वेशन में रख दिया, ए एन ए एन माइनस वन टू ए एन माइनस टू की जगह हमने जो सोल्यूशन लिया है हमारा ये पुट कर दिया। जैसे कि हमने पहला क्या हमारा ए एन, तो हमने ए एन की जगह ये रख दिया ये सोल्यूशन। फिर हमें क्या है, फिर क्या दिया गया इक्वेशन में माइनस, फिर हमें दिया गया ए की एन माइनस वन। अब क्या किया, ये जो सोल्यूशन रखेंगे हम, ये जो सोल्यूशन दिया गया है इसमें जहां हमें एन है वहां एन माइनस वन पुट करके इसमें सोल्यूशन में ये रख देंगे यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया गया है, ये ए की एन माइनस वन दिया गया है, तो एन की जगह हम एन माइनस वन लेके चलेंगे। अब ये रख दिया हमें, जैसे कि माइनस पी वन एन माइनस वन का स्केयर प्लस पी टू एन माइनस वन प्लस पी थ्री। इसी तरह फिर हमें ये क्या नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें माइनस टू ए की एन माइनस टू, ये माइनस टू तो रखेंगे ऐसे ही, ये ए एन यहाँ एन माइनस टू लेके चलेंगे एन की जगह हम। अब की बात जो हमें ये जो सोल्यूशन दिया गया है इसमें एन की जगह हम एन माइनस टू रख के और इसमें टेक रख देंगे, यहाँ क्या था माइनस टू और ये रख दिया एन माइनस टू रख के एन की जगह इस सोल्यूशन ने रख दिया और इजिकल टू इक्वेशन में हमें टू एन का स्केयर। इसमें कुछ नहीं किया गया, जो हमने सोल्यूशन लिया है उसमें पहले एक बार ये एन की वैल्यू एन रख ली, फिर एन की वैल्यू एन माइनस वन रख ली, फिर एन की वैल्यू एन माइनस टू रख ली और फिर इनकी जगह सारी की ये वैल्यू रख दी सोल्यूशन में। एक बार यहाँ सोल्यूशन रख दिया पी का, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया और ऐसे ही रखते गए। यहाँ से हमें क्या आया, जब हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ एन माइनस टू का स्केयर है वो एन माइनस यानी कि ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला लग गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी। इसी तरह फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ एन माइनस टू है उसका स्केयर, इसका भी होल स्केयर खोल दिया। फिर हमने क्या किया, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा कटता है हमने काट दिया, जो जो यानी इसको इन इक्वेशन सोल्व करेंगे हम जो कटता होगा उसको काट देंगे और जो बच गया हमने यहाँ रख लिया और ये इजिकल टू है टू एन का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये टू एन स्केयर की है इसके इसमें ये टर्म ये रही यहाँ, इनको कंपेयरिंग करेंगे पावर ऑफ एन। जैसे कि ये हमारा माइनस टू पी वन एन का स्केयर है, इसको टू एन स्केयर के इक्वल रख के कंपेयर करेंगे, जैसे कि माइनस टू पी वन इजिकल टू है टू के यहाँ से, और ये क्या आ गया, ये हमारा ये जीरो के इक्वल रख लिया, ये भी जीरो के इक्वल रख लिया क्योंकि ये तो कंपेयर होगा एन स्केयर से इसके साथ, बाकी ये जीरो के इक्वल रख लिए दोनों। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारा P1 निकल जाएगा, इसको सोल्व करेंगे फिर इनसे हम ये P इन इक्वेशन को सोल्व करके हम P2 और P3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि P1 की आ गई हमारी वैल्यू माइनस वन, P2 की आ गई हमारी माइनस फाइव और P3 की आ गई हमारी माइनस एट। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बना हमारा माइनस एन का स्केयर, ये कैसे लिखा है माइनस एन का स्केयर माइनस फाइव एन माइनस एट, ये रखा है जो हमने सोल्यूशन स्टार्टिंग में लेट किया था, ये पी वन एन स्केयर प्लस पी टू एन प्लस पी थ्री, कुछ नहीं रखा, यहाँ पी वन की वैल्यू रख दी, यहाँ पी टू की वैल्यू रख दी, यहाँ पी थ्री की वैल्यू रख दी और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका केस सेकेंड डिस्कस करते हैं। के सेकंड में क्या है कि हमें जो एफ एन है यानी कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये जैसे कि ये इक्वेशन दे रही है, कुछ नहीं बस यहाँ पे ये एफ है, एफ आर की वैल्यू देखनी है हमें। अब के सेकंड में क्या किया, ये जो एफ आर है नहीं, या एफ एन ले लो, एफ कुछ भी रख सकते हैं हम, यानी कि ये एफ आर है या फिर एफ एन है जो भी है, इसकी वैल्यू जो दी होगी उसके हिसाब से हम केस लेंगे। जैसे कि सेकंड केस में क्या है, एफ एन की वैल्यू हमें यहाँ कांस्टेंट है, तो देन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विल बी आल्सो ए कांस्टेंट पी प्रोवाइडेड दैट वन इज नॉट
ए करेक्टरिस्टिक रूट। तो हमने आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लिया, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन ए की एन माइनस फोर ए की एन माइनस वन प्लस फाइव ए की एन माइनस टू इजिकल टू है टू, हैंस फाइंड द टोटल सॉल्यूशन निकालना। अब हमने देखा कि हमें यहाँ पता चल गया जो एफ आर की वैल्यू हमें टू है, तो ये कौन सा केस लग गया, सेकंड, क्योंकि सेकंड केस में ही हमें क्या है एफ की वैल्यू, जब केस सेकंड तब लगता जब एफ एन क्या दिया हमें कॉन्स्टेंट। और हमने क्या देखा कि जो हमारा यो एफ आर है ये एफ एन है या जो भी है ये हमें टू दिया गया यानी कॉन्स्टेंट है, तो सेकंड केस लग गया इसमें यहाँ। तो हमने क्या किया, जो एफ एन है इजिकल टू है हमें क्या है टू दिया गया इस इक्वेशन में रख लिया, ये हमारा क्या है कॉन्स्टेंट। एंड हमें क्या था कि वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक रूट, सो द पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी ऑल्सो बी ए कॉन्स्टेंट, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा इसका वो कॉन्स्टेंट ही होगा। क्या किया, जो ये यहाँ पे ए एन ए की एन माइनस वन ए की एन माइनस टू, यहाँ पे हमने पी रख दिया सही इनकी जगह, ए एन वाली टर्मों के स्थान पे हमने पी रख दिया। जैसे कि हमने यहाँ रखा, यहाँ क्या था ए एन पी रख दिया, माइनस फोर ऐसे रख लिया, ए एन माइनस वन की जगह पी रख दिया, फिर प्लस क्या है कॉन्स्टेंट फाइव, तो ए एन माइनस टू की जगह हमने रख लिया पी, ये इजकल टू है टू के। अब जब हम इनको जोड़ेंगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इनको टू पी बच गया और इजकल टू है टू। यहाँ से पी वन की वैल्यू हमारी, पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी वन। आल्सो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जब हमने क्या किया था, ये तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन और निकालेंगे, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन निकालना हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकाल दिया, पी की वैल्यू वन आ गई और रख देंगे हम, इसी तरह हम इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन और निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जो हमें ये वैल्यू दी गई है ए की एन माइनस फोर ए की एन माइनस वन प्लस फाइव ए की एन माइनस टू इजकल टू है टू के, क्या करेंगे अब भाई, पहले तो जो ए की एन है उसको हम आर की एन पुट करेंगे सभी में, उसको पुट करने के बाद फिर हम जो भी लोवेस्ट टर्म है उससे इसको डिवाइड दे देंगे, फिर हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी जैसे कि ये मिल गई। ये प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डाले है उसमें ये मैंने बताया गया है कि होमोजीनियस कोई भी इक्वेशन दी गई है उसका हम करेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं, ये मैंने टॉपिक डाला हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ये तो इस जो हम ये है इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिलती है एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इजिकल टू है जीरो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आया, तो मैं जो अगले केस लूंगा उसमें आपको ये बना के दिखा दूंगा ये कैसे बनी। तो हमारी ये ऊपर वाली इक्वेशन से बन गई एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इजिकल टू है जीरो। क्या ये इसके रूट कैसे निकालते हैं, वही हमें रूट का वाला फार्मूला लगा दिया, रूट निकालने वाला रूट निकल के आएंगे टू प्लस माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसका होमोजेनिक सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यू और जो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास उसकी एन प्लस बी जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आई है एक्स की वो रख दी उसकी पावर एन, ये एन ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या गया, टोटल सॉल्यूशन निकालना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा वन आ गया था वो रख लिया, और प्लस ये होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन आ गया प्लस ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका केस थर्ड डिस्कस करते हैं, केस थर्ड में क्या है, इफ एफ एन इज ऑफ द फॉर्म ए की एन, जो एफ एन है हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा ए की एन में। पहला तो हमें मिल रहा था भाई कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री है एन और डिग्री एम की, फिर हमें सेकंड केस में दिया गया था कि एफ आर है जो हमें कांस्टेंट दिया गया। अब क्या है, जो एफ एन है ये जो भी एफ आर है हमें किस फॉर्म में दिया गया है ए की एन में, तो द कोरस्पोंडिंग पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लेके चलेंगे वो हम इस टाइप का लेके चलेंगे इसका पी ए की एन, प्रोवाइडेड दैट ए इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें ये दिया गया है एग्जांपल ए की एन माइनस एट ए की एन माइनस वन इजल टू है फाइव टू की एन। देखो हमें ये मिल रहा है ना ए की एन की फॉर्म में एफ एन, तो हमें ये केस थर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ,
इसे क्वेश्चन से ही पता चला हमें कोस ये केस कौन सा लगाना, जैसे कि ये टू की एन है यानी एक एन की फॉर्म में आ गया ये एफ आर या एफ एन, तो हमने क्या किया था उसमें कैसा सोल्यूशन मान के चलते हैं, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम पी ए की एन सोल्यूशन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मान के चलते हैं और पी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो हमने क्या किया, पहले तो मैंने बताया था कि होमोजीनियस सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें हम टोटल सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे होमोजीनियस सोल्यूशन निकालें। टोटल सोल्यूशन कैसे होता है कि होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, पहले हम यहाँ होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे, और जो मैंने केस सेकंड डिस्कस किया था कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन कोई दी गई हो तो हम उसको कैसे सोल्व करके वो पॉलीनोमियल वाली बनाते हैं उसको, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है ये हमें दी गया ए की एन माइनस एट एट एन माइनस वन इजकल टू जीरो, हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें एफ आर हम जीरो लेके चलते हैं, तो यहाँ इस जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें यहाँ तो एफ आर की जगह हम जीरो लेके चलेंगे, किसमें होमोजीनियस सोल्यूशन निकालते हैं यानी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं जहाँ एफ आर जीरो हो, तो हम यहाँ पहले जीरो लेके चलते हैं इसको, ये इक्वेशन बच गई हमारी ए की एन माइनस ए एन माइनस एट एन माइनस वन इजिकल टू है जीरो। इसमें क्या किया पहले वही है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स रूट निकाल लेंगे, वो कैसे निकालते हैं पहले तो हम क्या करेंगे जो ए की एन है इसकी जगह हम आर की एन रखेंगे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ ए की एन है वहाँ आर की एन पुट कर देंगे, जैसे ये रहा ए की एन की जगह आर की एन पुट कर दिया, ये माइनस एट ऐसे लिख लिया, और ए की एन माइनस वन की जगह ये ए की एन की जगह आर की एन पुट करते तो ए की एन माइनस वन की जगह क्या रखेंगे आर की एन माइनस वन ये रख दिया इजकल टू है जीरो के। जब हम फिर हमने क्या किया इसको हम जो हमें लोवेस्ट टर्म दी गई है जैसे कि ये दी गई है ये आर की एन माइनस वन, इससे हम जो छोटी टर्म है उससे हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे, जब इसको हम आर की एन माइनस वन से डिवाइड देंगे यहाँ आर की एन माइनस वन से डिवाइड देंगे इसको भी और इसको भी, तो क्या बच गया जब इसको जैसे कि ये दे दिया यहाँ रख दिया आर की एन डिवाइड बाय आर की एन माइनस वन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं आर की एन बाय क्या बच गया आर की एन और आर की माइनस वन, ये तो कैंसल हो गया और ये ऊपर जाके कैसे बन जाएगी आर बन जाएगा, तो ये रख लिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच गया आर। इसी तरह वो फिर इसको डिवाइड देंगे आर की एन माइनस वन से, ये आर की एन माइनस वन कैंसिल हो गया और एट बच गया, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी एट। तो हम इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं कि किसी कांस्टेंट के साथ और ये जो वैल्यू आई है आर की एन यानी एट की एन। फिर हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे कि क्या बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए केस थर्ड यूज करेंगे कि हमें जब ये ए की एन की फॉर्म में दिया हो, जैसे कि केस में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये ए की एन की फॉर्म में दिया हो तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये मान के चलेंगे पी ए की एन। तो एफ आर की वैल्यू लिख ली हमने, क्या दिखी है इसमें इस इक्वेशन में हमें एफ आर की वैल्यू ये दिखी है फाइव डॉट टू की एन, ये लिख ली एफ एन की वैल्यू इजिकल टू फाइव टू की एन। ये अब क्या करने हम ए एन की जगह हम डी डॉट टू की एन या फिर पी डॉट टू की एन कुछ भी, ये तो कांस्टेंट है कुछ भी रख लेना क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करके हमें रखनी है, या तो पी रख लेना या फिर मैंने यहाँ डी डॉट टू की एन रख लिया। फिर पुट करेंगे इसको ए की एन को डी टू की एन इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन कौन सी थी हमारी ये जो तो ए की एन की जगह हम वो पुट करते हैं डी, ये रख दिया हमने, तो ए की एन की जगह टू डॉट टू की एन रख दिया फिर माइनस एट, फिर वही ए की एन माइनस वन की जगह ये वैल्यू रख दी। फिर हमने ये वैल्यू रखने के बाद किस में रखी है, ये जो है ए की एन इजिकल टू डी डॉट टू की एन ये इक्वेशन वन में रख दी ए एन की जगह ए एन माइनस वन की जगह, और फिर हमें ये मिल गई। फिर क्या करेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या
क्या किया, बस कुछ नहीं किया। यहाँ जो हमें ये लास्ट इक्वेशन बनी थी इसमें से देखो हमें कॉमन उठाना है, ये जो कॉमन उठता वो उठा लिया, जैसे 2kn कॉमन निकल गया इन दोनों इक्वेशन में से। जब हम कॉमन उठाएंगे तो हम क्या क्या बच जाएगा, 2kn कॉमन उठाने के बाद d माइनस 4d बच जाएगा इजिकल टू 5.2kn। जब हम ये 4 माइनस 4d में से d गया -3d बच गया और रख दिया, फिर यहाँ फिर -3d ये क्या गया इस 2kn से 2kn कैंसिल हो गया तो ये बच गया। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/3, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया क्या आ गया -5/3 2kn। तो फिर क्या गया, हमने इसका होमोजेनियस सोल्यूशन निकाला था, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला था, उनकी ये रख दी जो सोल्यूशन निकाले थे। आइए हम अब इसका फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एंड एफ एन इज द फॉर्म ऑफ, जो एफ एन है इस फॉर्म में होगा हमें c1 n की m + c2 n की m - 1 + c m + 1 और अल्फा की n। क्या है अल्फा यहाँ करेक्टर रूट नहीं दिया गया इस डिफरेंस इक्वेशन का, एफ की n फॉर्म इस इक्वेशन की होगी, तो वहां हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की किस फॉर्म में लेके चलेंगे, जैसे कि दिया है p1 n की m + p2 n m की -1 + so on p की m + 1 और अल्फा की n। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये दिया गया है फाइंड द टोटल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये दी गई है हमें a n - 1 - 2 a n - 2 = 3 n.4 n, ये हमें दी गई है। तो क्या करेंगे हम, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे जब इसमें इस सोल्यूशन में हम जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम m की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा p 1 n की वैल्यू 1 रख दी तो 1 n की वैल्यू 1 1 ही हो ये n ही आ गया। प्लस फिर क्या करेंगे हम p2 n की पावर m की जगह 1 रखेंगे 1 - 1 0 n की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो p2 ही रख लिया, तो हमारा ये सोल्यूशन लेके चलेंगे हम इस फॉर्म में आएगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे लिए इलेक्ट करके चलेंगे इसमें। फिर हमने देखते हैं ये आगे, सोल्यूशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पीछे इक्वेशन दी गई उसका पहले तो क्या करेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन, उसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वो मैंने बता दी थी कैसे निकालेंगे, जो हमें ये इक्वेशन दी गई है क्या करेंगे इसमें ये जो इक्वेशन दी गई है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की एन को आर की एन पुट करेंगे, फिर जो इसमें स्मॉल टर्म है जैसे कि ये दे रखा है आर की एन माइनस टू, इसे सभी को डिवाइड दे देंगे, और इस होमोजेनियस में क्या करते हैं इसको जीरो लेके चलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन में, तो हमें ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी इसकी, एक्स का स्क्वायर -x - 2 = 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके रूट कैसे हमें ये रूट मिल जाएंगे 2 और -1। हमने जो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने इसके सोल्यूशन भाई होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन अगर रूट सेम हो तो ऐसे बनता है, अगर डिफरेंट हो तो ऐसे बनता है। अब जैसे ये रूट डिफरेंट आ रहे हैं तो इसमें ये ऐसे बनेगा इसका सोल्यूशन, u यानी सम कांस्टेंट और 2 की n + v. - 1 की n, ये कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे 2 रखा गया है और यहाँ पे -1, ये मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किए थे भाई अगर रूट सेम आते तो किस प्रकार लिखते हैं इसके सोल्यूशन को, अगर डिफरेंट आते तो कैसे राइट करते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें जो मैंने इसमें डाली गई है डिस्क्रीट की फर्स्ट यूनिट की। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो एफ एन है हमें पिछली इक्वेशन में जो एफ एन है हमें ये दी गया है
थ्री एन डॉट फोर की एन, और हमें क्या गया पीछे केस में क्या डिस्कस किया था कि अल्फा इज द नो अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमें यहाँ देखा क्या क्या दिया गया ये थ्री एन अल्फा की एन, अल्फा की एन क्या यहाँ हमारा दिया गया फोर की एन, यानी कि अल्फा क्या की वैल्यू क्या आ गई हमारी फोर, तो पीछे उस केस में क्या डिस्कस किया गया फोर्थ केस में कि अल्फा इज द नॉट रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये अल्फा फोर है तो फोर इज द नॉट ए करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, हैंस द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म, यानी जो हमें मैंने एम की वैल्यू वन पुट करके ये सोल्यूशन लेट करके चला था तो ये आ गया सोल्यूशन, और इसकी जगह अल्फा की वैल्यू रख दी फोर की एन। तो जब हम इस सॉल्यूशन को इक्वेशन जो हमारी वन है, हमारी इक्वेशन जो वन है ये जो हमारी इक्वेशन वन है इसमें एन की जगह ए एन माइनस वन की जगह एम माइनस टू ए एन माइनस टू की जगह ये रखेंगे ये फोर के एन, ये सॉल्यूशन जो हम मान के चल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये इसमें पुट करेंगे एक ही एन की जगह इसकी जगह और इसकी इसके स्थान पे, जब हम इसको पुट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होती है, ये देखो इसमें पुट कर दिया इक्वेशन वन में तो हमें ये मिल गई। जब हम इसको कॉमन उठाते हैं और फिर जो कटता हुआ काट देते हैं, हमारे ये काटने के बाद कॉमन उठाने के बाद हमारे पास लास्ट में इस इनको सोल्व करने के बाद ये बचती है, कॉमन कॉमन उठाने के बाद काटने के बाद ये बच गई हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे जो हमें ये जैसे फोर ये दिया गया फोर की एन की ये दिया गया फोर की एन, इनको कंपेयर करेंगे कोफिशेंट को, कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ बोथ साइड, और ये कुछ नहीं दिया गया तो इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। जैसे फिर क्या किया जब इनको लेके चलेंगे, जैसे ये रखा हमने इनकी लेके चलते हैं तो यहाँ से पी वन की वैल्यू क्या आ गई हमारी ये 24/5 आ गई। इसी तरह जब हम इसको जीरो लेके चलते हैं तो हमारे यहाँ पी टू की वैल्यू ये आ गई। तो हमने क्या किया जो सोल्यूशन लेके चले थे, जो ये सोल्यूशन लेके चले थे एन पी वन प्लस पी टू फोर फोर ये जो लेके चले थे, इसमें क्या किया ये जो पी वन और पी टू की वैल्यू रख दी तो हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन पीछे हम निकाल के चले थे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल दिया तो हमें इस इक्वेशन में रख दिया ये टोटली सॉल्यूशन कैसे होता है होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो रख दिया हमने। इसी तरह हम केस फिफ्थ लेके चलते हैं। अब की बार क्या गया अब की बार उसमें तो क्या था भाई अल्फा नॉट ए करेक्टरिस्टिक रूट और उस फॉर्म में जी वो फॉर्म दी गई थी उस फॉर्म में दिया था। अब क्या करेंगे फिफ्थ केस में इफ अल्फा इज ए करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी एम माइनस वन एंड एफ एन और इस फॉर्म में दिया गया एफ एन और उसका सोल्यूशन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लेके चलेंगे। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये दिया गया फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये दे दिए कि एन ए एन माइनस फोर ए एन माइनस वन इक्वल टू है 6.4 की n। तो हमने क्या किया जब हम इसका पहले तो हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं वो मैंने बता दिया कैसे वो इससे बनाते हैं भाई a की n की जगह r की n पुट करेंगे फिर जो सबसे छोटी टर्म है a a की a एन माइनस वन से सब इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और होमोजीनियस इक्वेशन में हम इसको जीरो लेके चलते हैं इस साइड तो हमें जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ये मिलती है एक्स माइनस फोर इजिकल टू जीरो। जब हम यहाँ एक्स को सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू हमें फोर मिलेगी यानी ए की वैल्यू मिली है एक्स की ए की वैल्यू मिली है तो यह क्या होगा सो फोर इज द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इज वन। यहाँ क्या करना है हमें जितनी मल्टीप्लिसिटी उतनी ही एन की पावर लेके चलेंगे हम। तो जैसे कि हमें यहाँ अगर मान लो कोई इक्वेशन और आती है हमारे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कोई और मिलती और उसके रूट आ जाते हैं हमें थ्री एक्स की दो वैल्यू मिल जाती है थ्री और थ्री तो वहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी थ्री की टू होगी क्योंकि वो दो बार है यहाँ पे फोर कितनी बार है एक बार तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी वन। फिर क्या करेंगे हमें जितनी भी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू दी है उतनी हमारी एन की पावर लेके चलेंगे तो देयर फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म में बनेगा एन पी की यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हम वन लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास क्या मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई वन उतनी हम एन की पावर लेके चलते हैं एन की पावर वन पी
डॉट फोर की एन, इस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इस टाइप का लेके चलते हैं, फिर क्या करते हैं, इस जो सोल्यूशन लिया हमने उसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी सिक्स आ जाएगी। तो हम ये हैं तक क्या है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम जब हमने पी की वैल्यू वन रखी है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में रख दिया पी की जगह सिक्स, तो हमारा क्या बन गया, सिक्स एन डॉट फोर की एन। तो हमारी टोटल क्या बन गई, टोटल सोल्यूशन क्या बन गया, जो हमारा पीछे होमोजेनियस सोल्यूशन था वो रख दिया और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन रख दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। जो हमने इसके पांच केस लिए हैं उनसे उनके केस डिस्कस किए हैं और वन बाय वन उनके एग्जाम्पल की है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।